एग्जाम्पल जैसे कि अनन्या इज अ गुड गर्ल अनन्या ऑलवेज कम्स फर्स्ट सो बार बार हमें सेंटेंस में नाउन का यूज करने की जरूरत नहीं है इफ़ इट इज अ वन सेंटेंस एंड देर आर सेम सेमस नेम इज कमिंग टू टाइम्स सो वी कैन यूज द सेकेंड टाइम प्रोनाउन लाइक अनन्या इज अ गुड गर्ल शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट वो हमेशा फर्स्ट आती है शी इज अ प्रोनाउन एज इट टेक्स द प्लेस ऑफ अनन्न्या

सो so, ये आपके वही सारे प्रोनाउंस के काइंड हैं तो सबसे पहले हम फटाफट स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज रेफर पीपल एनिमल्स एंड थिंग्स इट कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस जैसे आई एम हैप्पी टू मीट यू वी आर प्लेइंग ओके सो जो हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं

उन विच इज यूज फॉर ऋषिका राइट दिस डिसीजन इज योर्स टू मेक ये डिसीजन किसका है योर्स डेमोन्स्ट्रेटिव दैट समथिंग बिलोंग्स टू समीक है सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फिल इन द्लैंग्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन्स डू यू नो हेम ओके ही इज माई ब्रदर Emilia is a great dancer. She has won many competitions. Would you like to go to the movies with Rita? Van Ghosh drew beautiful pictures. One of his famous works is The Starry Night. Okay. So now come on the next page. The dog, fifth one you will do yourself. The dog gave birth to many puppies. Would you like to have one of it?

so that Megha could go outside and play. No, this is wrong. हम दोबारा Megha का use नहीं करेंगे हम यहाँ पर use करेंगे so that she could go outside and play. Now, write the correct possessive pronoun in the blanks. Possessive pronoun मैंने आपको बताया his, oh sorry, hers, yours, ours. इस तरह से आप इसमें possessive pronoun fill करेंगे. So, the, see the first one. you can order whatever you want the choice is yours now the third one i paid for this scarf so it is mine m i n e mine fifth one the maths book belongs to ralph it is his it is his my brother and i bought a car together to share so it is

टिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं जैसे वॉट इज योर नेम अर हुटिव प्रोनाउन नाउ कंप्लीट द कन्वर्जेशन विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हु वॉज डैश ऑन दोन पर कौन था वॉज who was there on the phone i am not sure this is the third call i have received from this number today you haven't spoken to Fareed since we moved here have you no i haven't why did you ask this this means you don't have these numbers saved these are the two numbers why we are using these because we are talking about the numbers

विच आर यू प्लेइंग विथ नो हमें इसमें क्या करेक्ट प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन डालना है होम आर यू प्लेइंग विद आप किसके साथ खेल रहे हो डिड यू टॉक टू नो होम डिड यू टॉक टू विच इज रोंग विध यू दिस इज इन करेक्ट वॉट इज रॉन्ग विथ यू ओके वॉट इज योर ड्रेस मेकर इज योर ड्रेस मेकर आपका ड्रेस मेकर कौन है ओके विच डू यू वॉन्ट टू प्ले वट डू यू वॉन्ट टू प्ले ओके वॉट इज योर कारपेंटर वेअर इज योर कारपेंटर और सॉरी हु इज योर कारपेंटर वन डू यू वर्क फॉर और वॉट डू यू वर्क फॉर

डन बाई द करने का सीधा सीधा रिफ्लेक्ट पड़े दिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आई स्लैप्ड माइ सेल्फ फॉर स्मॉइलिंग माई वर्क हीसनेस नाउ एम्फोसाइजिंग प्रोनाउ जैसे माई सेल्फ हिमसेल्फ लेकिन एम्फोसा क्या होता है यूज होता है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज जब हम किसी बात को बहुत ज्यादा जोर देकर कहते हैं इस कॉल्ड एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन जैसे आई विल बेक माई सेल्फ मैं खुद बेक करूंगा जोर देकर कहना है एम्फिसाइज्ड देकर कहना है तो हम कहेंगे उससे खुद ही चिंता नहीं है शी हर सिज नॉट सीम टू वर्ड अबाउट हर रिजल्ट और इसकी एक और पहचान है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो प्रोनाउन होते हैं उनसे पहले हमेशा वर्ब आता है लाइक आई स्लेप्ड माई सेल्फ ही यूज किए जाते हैं जब हमें किसी चीज को इम्फेसाइज होकर बताना है नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द प्रोनाउन दैट टॉक अबाउट पीपल थिंग्स टेकन होल जैसे चिल्ड्रन रिसीवर ऑफ द डायरेक्शन लीड्स टू द सेम डेस्टिनेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर ऑलवेज फॉलोड बाई दर्ब इन दिंगर ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब से ही लीड होते हैं जैसे के लीड्स ओके ईच ऑफ द डायरेक्शन लीड्स

रेशू एंड सिद्धार्थ गेव इच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देअर वेडिंग डे सो जब हम एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप शो करते हैं तो उसमें वहां पर हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउ जैसे जनरल वे ठीक है जैसे कि वन डज नॉट नो वॉट टू से किसी को भी नहीं पता

ज बी प्लेस्ड क्लोज टू इट्स एंटेसिडेंट ओके अपने वी से द बॉय इन दाई ब्रदर हम ये नहीं कहेंगे द बॉय इज माई ब्रदर हु इज इन द ट्रेन एंटेसिडेंट मतलब जो भी ये वर्ड होंगे ये अपने एंटेसिडेंट ये जो नाउन्स हैं मैन बुक इनके हमेशा पास लिखे जाएंगे राइट right?

Has received a toy. So, one of them was particularly beautiful. So, this will be the same pronoun. concept pronoun hai ye? I am uh, going back just to clear it to you. Distributive pronoun. Like either of the directions lead to the same destination. This is also the same distributive. Okay? The. Uh,

Every afternoon, as children were coming from school, they used to go and play in the giant's garden. They were coming, it was a large, lovely garden uh, with soft green grass here, and there over the grass stood beautiful flowers like stars. And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. And in the autumn bore rich fruit. The birds sit on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. They are here. They cried to each other. One day the giant came back. That had been sorry. He had been to visit his friend the Cornish Ogre and had stayed with. बाकी का पैराग्राफ आप खुद से फिल करेंगे आपको क्या फिल करना है पर्सनल प्रोनाउन राइट सोनाओ फिल्लैंक विथ सूटेबल प्रोनाउन दे आर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर इन फ्यू सेंटेंसेस यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ यू आर मेकिंग नेक्स्ट इज these bags are made of clothes these bags are made of cloth made of cloth what these bags are made of clothes these are made of leathers right they are in class 7 please deliver the parcel to one who is at home okay the building where the corporation wants to de demolish is not occupied. The lady whom you were talking to is the CEO of the company. The police inspected the car, he, it has been smashed in the accident. Right? Now, correct the errors in the use of pronouns in these sentences. Identify whether the pronouns that you have replaced are reflexive. एम्फेसाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव रेसिप्रोकल और इंडेफे नेट अब ये एक्सरसाइज आपको मैं दे रही हूं आपके होमवर्क के लिए आपको इसको पढ़ना है और आपको इसके एरर्स करेक्ट करेक्ट करने हैं ओके लाइक आई फिल्डअप द फॉर्म हर सेल्फ हर सेल्फ आएगा आई के साथ नो आई फिल्डअप द फॉर्म माई सेल्फ राइट सो आपको ये करेक्ट करना है

आई स्टॉप द इन एम्बुलेंस विच वॉज स्पीडिंग डाउन द रोड ओके द राइटर विल विजिट अस नेक्स्ट वीक आई एडमायर द राइटर अब इसमें क्या आएगा दायर द राइटर हु विजिट अस नेक्स्ट वीक ओके सो आपको मैंने आपको बताया जो आप जो भी रिलेटिव प्रोनाउन को प्लेस करोगे वो उसके एंटिडेंट के क्लोज प्लेस करेंगे द वुमेन वॉज सेलिंग बलून द पुलिस कॉट हर द वुमेन वॉज सेलिंग द पुलिस कॉट द वूमेन हु वॉज सेलिंग बलून्स ओके माई मदर रीड्स द बुक डेली माई अंकल गेव इट टू मी माई मदर रीड्स द बुक विच माई अंकल गेव इट टू मी ओके, okay? सो so, बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं वो आप खुद करेंगे ठीक है सो द चिल्ड्रेन वी आर डन विद द टॉपिक प्रोनाउंस एंड नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी बुक्स के बीच में ही आपके कॉम्पोजिशंस के टॉपिक्स हैं सो देयर इज अ लिसनिंग एंड स्पीकिंग कॉम्पोजिशन लाइक एन इन्विटेशन जब हम किसी को इन्वाइट करते हैं तो वट शुड बी द परफॉर्मा कैसे हमें उसे इन्वाइट करना चाहिए सो रीड दिस कन्वर्जेशन वे आर टू स्टूडेंट्स हैव कम टू इन्वाइट अ सेलिब्रिटी टू अ कल्चरल प्रोग्राम बींग ऑर्गेनाइज बाय देर स्टूडेंट्स क्लब अब आप ये प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो जैसे कि आपने यहाँ पर कैरेक्टर्स uh, देख लिए फर्स्ट स्टूडेंट सर्वेंट सेकेंड स्टूडेंट मिस शर्मा आप ये सब चार फ्रेंड्स मिल के ये रोल्स ले सकते हो एंड देन यू कैन प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज कुछ थोड़ी सी मैं आपको करके बता देती हूँ फर्स्ट स्टूडेंट्स मे वी स्पीक टू मिस्टर शर्मा फॉर अ फ्यू मिनट्स वी हैड स्पोकन टू हिम ऑन द टेलीफोन अर्लियर एंड ही हैड आस्क अस टू कम दिस इवनिंग नाउ सर्वेंट जो मिस्टर शर्मा के सर्वेंट हैं कम इन एंड वेट हेयर प्लीज हु शुड आई से हैव कम सेकेंड स्टूडेंट अब बोलेगा प्लीज टेल हिम दैट वी आर द मेम्बर्स फ्रॉम द पेयरलेस पार्क स्टूडेंट्स क्लब Mr. Sharma, enter ho rahe room mein, entering the room. Hello. I have just returned from a full day at the film studio and it's being a very long and tired Sunday. So do be quick and tell me what you would like me to do. Then, first student, we are awfully sorry to have bothered you, sir, but we will only take a few minutes of your valuable time. Then, Mr. Sharma, that's alright, but first would you like to have something to drink? Now, second student, thank you, sir, but we have just had tea and come. Mr. Sharma, okay, so let's hear what you have to say. Yahan par, first student is inviting Mr. Sharma. Well, sir, next Sunday, 3rd September, is our club's founders' day. This year, it's going to be 6 years old. For the last 5 years, we have been organizing different cultural programs. This year, we have thought of organizing a film show. We have decided to show the film Beehive, directed by you. Mr. Sharma, have you seen it? First student, no sir. We haven't had the privilege, but we know that it won the national award as the best regional film this year. So we are all looking forward to seeing it. Mr. Sharma, that's interesting. What else do you know? Second student, a bowling we all know that you have been honored for two of your documentary films. One got the Golden Lotus in 2017 and the other an international award. Mr. Sharma, smiling, I must say that you have done your homework quite well. For students, here's the invitation card, sir. We would be highly honored if you could kindly be our chief guest and inaugurate the function. सो दिस इज द परफॉर्मा वैन वी इन्वाइट सम सेलिब्रिटी और किसी भी ऑफिशियल पर्सन को फॉर्मली हमें इन्वाइट करना हो सो दिस शुड भी द परफॉर्मा वैन वी गो टू द प्लेस ऑफ दैट पर्सन एंड इन्वाइट हिम सो नाउ गेट इन टू पेयर्स एंड इनेक्ट दिस सिचुएशन एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर डैट योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इन इंटर स्कूल थिएटर फेस्टिवल यू हैव बीन आज टू इन्वाइट अ वेल नोन थिएटर पर्सनैलिटी टू इनाग्रेट द

So we will meet again with the some new interesting chapters. Thank you. Have a nice day.